हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि मेरा नया मार्क है। आपको आज मैं पढ़ाने वाली हूँ वन साइज अ लिटिल वर्ड की। ओके, ये चेक यूनिट फोर वाला है। तो ये यूनिट फोर है तो हम लोग क्या करें, तो ये यूनिट फोर वन साइज अ लिटिल वर्ड है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन आंसर मतलब एक्सरसाइजेस। ओके, तो रीडिंग इज फन, पढ़ना एक अच्छी बात है, ये आपको पता ही है पहले से। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डिड द चाइल्ड सी। अब बच्चा क्या देखता है, बच्चा क्या देखता है, चलिए देखते हैं। सो द चाइल्ड सी अ बर्ड, ये है आपका पूरा आंसर। देख सकते हैं सेकंड वाला। सेकंड इज, व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग, अब छोटी चिड़िया क्या कर रही थी, देखते हैं क्या कर रही थी। तो क्या है, द लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप, जो लिटिल बर्ड थी वो हॉप 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 करके मतलब कूद कूद के चल रही थी। आगे क्या है, देखिए ये जो चिड़िया है ये भी है एक, वो ये अपने फादर्स मतलब पंख फैला रही है, फ्लाई कर रही है, हमसे दिख रहा है जैसे कि हाँ ये मेरा टेस्ट है एंड आप फ्लाई कर रहे हैं तो हाँ, तो नहीं तो हॉप हॉप मतलब कूद कूद के चलती है। एंड ये सबको पता है हम लोगों को कि वो कूद कूद के चलती है। आगे देखते हैं, लेट्स टॉक में क्या कर रहे हैं हम, आगे है लेट्स टॉक मतलब चलिए बातें करते हैं, क्या बातें करेंगे हम। डू यू सी एनी बर्ड अराउंड योर स्कूल एंड होम, आपने कोई चिड़िया देखी है अपने घर के और अपने स्कूल के बाहर, तो अगर आपने देखी है तो यस या नो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, येस आई सी अ बर्ड इन माई स्कूल, मैंने स्कूल में भी देखी है और बर्ड, और यहाँ पर ओ आर और भी लगा सकते हैं आप, और यहाँ पर होम भी कर सकते हैं। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू हिम, क्या आपने उससे बात करने की कोशिश की। यस, तो आप क्या बोलेंगे, यस आई एम ट्राइड, हाँ मैंने कोशिश की थी, पर नहीं लगाना है, वर्ड नहीं लगाना। ओके, लेट्स डू, कुछ करते हैं। ओके, जॉइन आपको करना है ए टू जेड, जैसे कि ये देखिए हमारे पास एक मोर है, सी आपको सी हो रहा है स्क्रीन पे, एक मोर है, आप क्या करेंगे, ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, ए कहाँ गया, आपको ए से ढूंढ कर जेड तक करना है। ये आपका होमवर्क है, तो आपको करके मुझे भी ऑनलाइन भेजना है नेक्स्ट ऐप का। तो आपने उम्मीद है ट्रेस कर लिया होगा, अब इसको भी ट्रेस करना है। देखिए इस तरीके से, ये है आम, मैं आपको फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ये सारे नहीं देंगे, ये देखिए आम को आपको बनाना है। ओके, इसी तरीके से आपको सारे सारे सितारे करने हैं पूरे। एंड अब आता है हमारे पास ये क्या है आपको करना है, द रूफ इज, इसकी छत जो है वो पिंक है या ब्लू, ये है पिंक, ये है ब्लू, क्या है इसकी छत, पिंक है ना, तो हम पिंक को मतलब हम कर देंगे पी आई एन के, पिंक होता है आपको जैसे ये पता ही है। ओके, कर लेंगे हम टू टेक नाउ, द वॉल आर येलो है या फिर रेड है की वॉल, देखिए चेक कीजिए इसका कलर, इसका रेड है या येलो है, मतलब येलो है इसका येलो है, जैसे कि आपको पता है इसकी येलो नहीं है रेड है, इसकी येलो है तो हम इसको क्या कर देंगे ब्राउन भी है, रेड बिल्कुल नहीं है मतलब येलो ही है आपकी। तो हमारे क्या दिया गया है, हमारे क्या दिया गया है, द विंडो आर, विंडो कैसी है, ग्रीन है या ब्राउन है, विंडो सी द विंडो कलर, सी द विंडो कलर, देखिए इस कलर को ये ब्राउन है या फिर येलो है, सी बोलिए मुझसे, ग्रीन नहीं है ना, ब्राउन है ना, तो यहाँ पर ब्राउन है। ओके, द डोर इज ब्लू ग्रे, डोर इसमें क्या ब्लू है ना, सी दैट, देखिए इसका कलर है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या हमारा ब्लू है। आगे क्या दिया गया, द डस्टबिन इज पिंक, और तो डस्टबिन देख लेते हैं हम, ये डस्टबिन तो पिंक है, मैं तो जानती नहीं थी पिंक है डस्टबिन। ओके, चलिए हम कर लेते हैं, पिंक डस्टबिन है हमारा, ओह माय गॉड,
pink jasmine hai mujhe bahut achhi aa rahi hai orange the plants are green orange ab simple si baat hai isme rooni ki koi baat nahi hai friends green hoti hai hamare green hi hoti hai hamari zyada tak leaf aapko ye pata hai na to chaliye hamari bas kya hai green hoti hai orange hi hota kabhi ओके एक सिंपल सी बात है एंड सिंपल मुझे कौन सी बात है द फ्लोर इज ग्रे और ब्राउन अब हम ये कहेंगे रूफ रूफ टॉप ही बोली थी हमने दो तरह के ऊपर छत है नहीं फ्रेंड्स नहीं बाबा ये है हमारा ग्रे क्योंकि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं हमारे नीचे ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगी ब्राउन तो ये रही हमारी कुछ एक्सरसाइज को हमने पूरा कर लिया है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेक्स्ट है हमारा मिट्टू एंड द येलो मैन वो ये आप करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे सेकंड पार्ट है हमारा तो चलिए हम उसे डेडलाइन में ले आते हैं सो थैंक यू वंस आई सॉ ऑल लिटिल बर्ड देखने के लिए थैंक यू सो लिखना तो भूल गई मैं ओके बाय